पराम्बा भगवती की हम आराधना करते हैं, सप्तशती का हम पाठ करते हैं, तो ये भी कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो भूख लगती है वो भगवती भवानी है, वो क्षुधा के रूप में। भूख लगना जिंदगी का होना है, वो आग है अभी भीतर, जिंदगी चलती रहेगी, जीवन बढ़ता रहेगा। भूख का न लगना, अरुचि हो जाना रोग है। अपच हो जाना ये भी रोग है, यदि तो अरुचि भोजन में ये भी रोग है, असहज है। भूख लगना सहज है, भूख लगे उसके बाद आप भोजन करके जो तृप्त हो जाते हो वो तुष्टि, ये भी भगवती महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो हमने भोजन किया वो फिर रस रक्त मांस मज्जा इत्यादि सात धातुओं में कन्वर्ट होता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, वो जो पुष्टि है वो भी भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस पुष्टि के चलते तुम्हारे शरीर में शक्ति रहती है, 12-12, 14-14 घंटा काम करते हो, थकते नहीं हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और वो पुरुषार्थ करके, वो काम करके, वो मेहनत करके जो धन कमाते हो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु अलक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। शक्रादय स्तुति, शक्र इंद्र इत्यादि देवता मिलकर के स्तुति करते हैं भगवती भवानी की, तो कहते हैं या श्री ही स्वयं सुकृति नाम, जो सुकृति हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, पुण्यशाली लोग हैं, सत्पथ पर चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, उनके जीवन में हे पराम्बा भगवती तुम श्री बनकर के रहती हो। या श्री ही स्वयं सुकृति नाम भवनेषु, उन पुण्यशाली सद्गृहस्थों के, उन धर्मनिष्ठ सद्गृहस्थों के घर में तुम महालक्ष्मी के रूप में निवास कर। इसलिए उनको श्रीमंत कहते हैं, श्रीमंत है। श्रीमंत होना अलग बात है और दौलतमंद होना अलग बात है। श्री तो विष्णु पत्नी है, दौलत पैसा अधर्म से पाप से बेईमानी से भी लोग कमा लेते हैं, अचानक से पैसे वाले नए नए जो धनवान बनते हैं उनका व्यवहार देखते ही पता चल जाता है कि ये दौलत नई नई है। पचता नहीं धन, पैसे का भी अपच हो जाता है, व्यवहार बदल जाता है,
वो दौलत इसलिए कि उसके भाग्य में था तो पहुंचना पड़ा, पहुंची, लेकिन जब गई तब भी लात मारी तो लात आगे से मारी थी, तो यूं सिर उठा, छाती में मारती है ना लात, तो सिर उठाकर हम करोड़पति। लेकिन लक्ष्मी को वहां रहना अच्छा नहीं लगता, थोड़े समय रहना पड़ता है, रह लेती है, लेकिन फिर चली जाती है, और जब चली जाती है तो पीछे से लात मार करके जाती है, तो सिर झुक जाता है, हम रोडपति। करोड़पति से कब रोडपति बन जाते हैं, पैसा आया और पैसा चला गया। दो दो बार लात मारती है इसलिए दौलत कहलाती, लेकिन श्री वो अलग बात है। या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, जो पुण्यशाली है, जो धर्म पथ पर चलते हैं, उनके घर में जो श्री बनकर के निवास करती है। तनुश्री, हमारी यहां बेटियों का नाम भी रखते हैं तनुश्री, तनु शरीर, उसकी श्री शोभा, शरीर का सौष्ठव, शरीर का सौंदर्य, ये भी लक्ष्मी, शरीर का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लक्ष्मी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। स्वास्थ्य लक्ष्मी, या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, अलक्ष्मी ही पापात्मनाम, जो पाप के मार्ग पर चलते हैं, बेईमानी के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म के पथ पर चलते हैं, उनके जीवन में जो अलक्ष्मी के वैसे हमारे यहां यह कहा गया है कि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान विष्णु के साथ, नारायण के साथ जब वो श्री लक्ष्मी पधारती हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। गरुड़ वेद का प्रतीक है, वेद धर्म। गरुड़ जी की पांखें, जब गरुड़ उड़ते हैं तो उन पांखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। वेदानाम सामवेदोस्मि, भगवान कहते हैं अपनी विभूति में। पापियों के, अधर्मियों के जीवन में जो अलक्ष्मी है, ये करता है दारिद्र्य, फिर चली जाती है। तो दशविध लक्ष्मी की प्राप्ति हम चाहते हैं, और अलक्ष्मी, अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम्, परमा भगवती को हम कहते हैं दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दारिद्र्य, जीवनावश्यक पदार्थों का अभाव, और दुख, ये मन से संबंधित संवेदना है। वो दारिद्र्य को मिटाती है, वो दुख को मिटाती है, भय को मिटाती है। दारिद्र्य दुख भय हारिणी, मां तुम्हारे जैसी और कौन है। और सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए सदा आर्द्र चित्त
हे दयालु देवी मां भगवती। कितना सुंदर सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूत दयारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता, इन सब रूपों में भगवती है। या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम भवनेशु अलक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेशु बुद्धि, जो कृतधि ही है उनके हृदय में, जो बुद्धि के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित। श्रद्धा सताम, जो संत है, जो सज्जन है, जो भक्त हैं, उनके जीवन में जो श्रद्धा के रूप में निवास करती है। और कुलजन प्रभवस्य लज्जा, जो कुलीन है, खानदानी लोग हैं, उनके जीवन में जो लज्जा के रूप में निवास करती है। न करने योग्य काम करने में संकोच का नाम लज्जा है। ये हमसे नहीं हो सकता। ये हमको शोभा नहीं देता ऐसा करना, ये हम नहीं कर सकते। हमारे पुरखों की आबरू, हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। न करने योग्य कार्य करने में संकोच का अनुभव लज्जा है। तो कुलीन लोग जो है, जो कुलीन नहीं है तो फिर उनका तो व्यवहार भी शालीन नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं, गालियां बकते हैं, व्यवहार भी, और बीच बाजार में लड़ाई झगड़ा मारा मारी। जबकि कुलीन है तो बोलने में भी विवेक। ऐसे कुलीन परिवार में जो लज्जा के रूप में प्रतिष्ठित है, ताम त्वाम नतास्म, ऐसी है भगवती हम तुम्हें नमन करते हैं। देवी विश्वम परिपालय, इस विश्व की रक्षा करो मां। सप्तशती का पाठ करो और पाठ करते समय अर्थ भी मंत्र जाप करो, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ का भी चिंतन करते हुए जब, और एक समय के बाद तो फिर सब कुछ छूट जाएगा, वो बात, वो भूमिका अलग है। फल मिल जाए, फूल भी गिर जाता है।